को 21 जून को दो खगोलीय घटनाएं एक साथ देखी गई। ग्रहण के साथ ही वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी देखने को मिला। आज दिन का समय 13 घंटे 31 मिनट का रहेगा, तो वहीं रात का समय होगा 10 घंटे 29 मिनट। ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण आज दोपहर 12:28 पर परछाई पूरी तरह गायब हो गई। आज से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश कर रहा है। अब लगातार दिन छोटे होंगे व रातें लंबी। परछाई गायब होने का यह अद्भुत नजारा शासकीय जीवाजी वेदशाला में स्पष्ट देखा गया। इससे पहले ग्रहण व सबसे बड़ा दिन दोनों का संयोग एक साथ 21 जून 1963 को हुआ था। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो जिसके कारण जो सूर्य है वो हमको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 21 या 22 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। कर्क रेखा की स्थिति 23:26.11.9 है और आज सूर्य की क्रांति भी 23:26.11 है। इस कारण सूर्य कर्क रेखा पर एकदम लंबवत है, तो कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण मध्याह्न के समय परछाई एकदम शून्य की स्थिति बनी है। उज्जैन चूंकि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो उज्जैन का मध्याह्न का समय 12:28 था, तो 12:28 पर एकदम शून्य परछाई की स्थिति हमने प्रैक्टिकल रूप में देखी है। आज के बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। और अभी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन था, लगभग 13:31 का दिन था और 10:29 की रात थी। अब दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। वो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे, दिन और छोटे होते जाएंगे। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो एकदम उल्टी स्थिति रहेगी। हमारे यहाँ दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।